चमालिंग के रिहायशी जान मोहम्मद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोलू में जेर इलाज हैं। अस्पताल में मौजूद तमाम तर सहूलियात बच्चे को मिलने पर बूढ़ी वालदा का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जान मोहम्मद का कोई वाली वारिस नहीं है, इसकी वालदा इसकी देखभाल तो कर रहा है, लेकिन वालदा की माली हालात कुछ इस तरह हैं कि वो अपने लखती जगर को सरकारी मेडिसिन के अलावा कुछ खिला नहीं सकता। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साहिब खान मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक दफ़ा अपने स्टाफ की तावन से डीजी खान में उनकी सर्जरी करवाई है, अब एक बार फिर उनकी सर्जरी करवाना है। जान मोहम्मद की वालदा कहते हैं कि जाने के लिए किराया नहीं और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान, आला अफिसरान, सियासी रहनुमाओं और मुखय्यर हजरात से माली मदद की अपील की है। रिपोर्टर अहमद नवाज़ मरी, आवाज़ टाइम, कोलू।